नमस्कार। 2014 से पहले यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नेंस था, आप सबको दिखता था कितनी गवर्नमेंट आपके डोर पे होती थी, हम सबको पता है। आज डोर टू डोर गवर्नेंस सरकार आपके डोर स्टेप पर आके आपका काम करती है। डिजिटाइजेशन में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है कि आपका हर एक काम आपके टाइम पे होता है, आपको किसी के ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इतना ज़्यादा काम हो रहा है वो शायद कभी नहीं देखने को मिला। आज इक्विटी की इक्विटी की बात हो रही है, आज हर गरीब के घर पैसा पहुँचे, गरीब के घर सर्विसेज पहुँचे, उसकी बात हो रही है। पहले तो बस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, कुछ लोगों के पास पावर्स होती थी और कुछ लोगों के आसपास चलने वालों के पास पावर्स होती थी, पर आज इतना डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है कि घर पे बैठा एक इंसान भी के पास भी इतना कुछ भी घर पे बैठ के वो क्लिक करता है और वो दुनिया तक पहुंचता है। कितना ट्रांसमिशन पेनिट्रेशन था उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का, वो आप खुद देख सकते हैं। आज आप कहीं पे भी जाइए, दूर से दूर गांव में जाइए, आप मचेल जाइए, आपको वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइंस देखने को मिलती हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे आपको मिलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आप खुद देख सकते हैं। आज हमें उड़ान स्कीम के अंडर जो है यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनने वाली है, बहुत कम टाइम में बनेगी शायद, और हाईवे तो आप देख ही सकते हैं, जम्मू से किश्तवाड़ पहुँचने में कितना टाइम लगता था और आज कितना लगता है आपके सामने है। श्रीनगर में भी आप जम्मू से श्रीनगर जाते थे कितना टाइम लगता है, अब कितना टाइम लगता है आपके सामने है। अब यहाँ पे सैफ्रन पार्क बनने की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे भी जाइए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जो रैशनल डेवलपमेंट हो रही है। पहले इरेशनल काम होते थे, कोई एक्सपर्टीज से बात नहीं की जाती थी, किसी मतलब गवर्नेंस मॉडल्स पे बात नहीं होती थी, बस जहाँ मर्जी आई यहाँ ये दे दिया वहाँ वो दे दिया, कहीं पहुँचा कहीं नहीं पहुँचा, इसकी बात होती थी। आज स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ के काम किया जाता है। उससे पहले तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कितना बैकवर्ड था, आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात हो रही है, और ये एक बहुत साइंटिफिक मेथड्स होते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उनको गिनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। थैंक यू।